हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक आइटनरी आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि देखा गया है ये ड्यू टू कोरोना काफ़ी लोगों के इनकम पे इम्पैक्ट आया है, बिकॉज काफ़ी लोग इवन कई लोगों की तो जॉब्स भी चली गई हैं, बट फिर भी जिन लोगों की जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक डिफरेंस आया है इनकम में, तो जिस वजह से लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन है, एकदम से उस माइंडसेट से काम नहीं कर पा रहे हैं, जॉब्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद भी थे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आप बाहर निकल सकते हैं, आप घूम कर आ सकते हैं, और एक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत सभी को होती है। तो हम आज आपके लिए एक बहुत ही रीज़नेबल आइटनरी लेकर आए हैं, जिसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट आइटनरी है आपकी, क्योंकि टाइम की भी थोड़ी सी कमी है अभी सभी लोगों के पास, तो आप 2 डेज और 1 नाइट का स्टे लेकर आप बहुत सारी डेस्टिनेशंस पर घूम सकते हैं, जिसमें अभी हमने इंक्लूड किया है मेन डेस्टिनेशन हरिद्वार और ऋषिकेश को। तो आइए हम बताते हैं कि किस तरह से आप मिनिमम जस्ट आई थिंक 2500-2600 रुपीज में आप ये ट्रिप कर सकते हैं और बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं दिल्ली NCR से, तो आप बाय बस आ सकते हैं, जिसमें जिसका फेयर बहुत ही रीजनेबल है, अबाउट 250 रुपीज़ फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, और आप डायरेक्ट ऋषिकेश आएं। यहाँ पर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि उसका भी ऑप्शन मिलता है, आप राफ्टिंग कर सकते हैं अभी, क्योंकि राफ्टिंग स्टार्ट है और बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पर है, क्योंकि जब स्टार्ट हुई थी तो राफ्टिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन अभी ड्यू टू सीजन ऑल्सो विंटर सीजन में ये कम हो जाता है, तो अभी 300 रुपीज़ से ये जस्ट स्टार्ट है, जो आई थिंक 9 to 10 किलोमीटर्स इसमें डिस्टेंस कवर करते हैं ये बाय राफ्ट, और इससे जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो अराउंड 15 किलोमीटर है, जिसका चार्ज अराउंड 500 रुपीज़ है, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। हाफ ऑफ द डे आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज जब आप सुबह आते हैं अर्ली मॉर्निंग आपको बस यहाँ पर पहुँचा देती है, अगर आप रात को ट्रैवल करते हैं दिल्ली से, और अर्ली मॉर्निंग आके आप अपने होटल में, अगर आपका प्री बुक्ड है होटल तो आप चेक इन कर सकते हैं, अगर प्री बुक नहीं भी है तो आप एज अ वॉक इन अगर आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल रेट्स में अभी डिस्काउंट्स काफ़ी चल रहे हैं, मे बी ये कोरोना का इम्पैक्ट है कि आपको 1000-800 रुपीज़ में AC रूम्स भी मिलते हैं, और अदरवाइज अगर आप नॉन AC रूम्स लेते हैं तो वो 400-500 की रेंज में आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप होटल में चेक इन कर लेते हैं, ऑफकोर्स क्योंकि चेक इन टाइम लेट होता है, तो आप होटल में अपना लगेज स्टॉक कर सकते हैं, और फ्रेश होकर आप वहाँ से प्री बुक, अगर आपकी राफ्टिंग है तो आप राफ्टिंग के लिए डायरेक्ट मूव कर लेते हैं, लाइट बीच में आप कुछ अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हैवी स्टमक के साथ आपको राफ्टिंग पे नहीं जाना चाहिए, तो आप लाइट सा ब्रेकफास्ट लेके अपनी राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो आप प्रॉपर चेक इन करके आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। इवनिंग में आपको बहुत सारा यहाँ पे टाइम मिलता है विजिट करने के लिए, आसपास जो प्लेसेस हैं, जो फेमस प्लेसेस हैं, जिसमें कि राम झूला, लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट, जहाँ पर बहुत ही फेमस आरती भी होती है, गंगा आरती इवनिंग में, वो आप अटेंड कर सकते हैं, और आफ्टर डिनर आप थोड़ा सा जल्दी अगर सो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में विजिट कर सकते हैं हरिद्वार। और तो फ्रेंड्स, आप ऋषिकेश से नेक्स्ट डे मूव करते हैं हरिद्वार के लिए, जो आप बाय बस भी जा सकते हैं, बाय टुकटुक भी जा सकते हैं, जिसका फेयर समवेयर अराउंड 50-60 रुपीज़ होता है मैक्सिमम, और प्रेफरेबल विंटर्स में तो बस ही रहता है, क्योंकि टुकटुक में बहुत हवा लगती है, तो आप बेटर होगा कि बस में ही जाएं, और बस स्टेशन पास में ही है, तो लक्ष्मण झूला तपोवन में भी अगर आप स्टे करते हैं तो आप बस स्टेशन तक भी बाय ऑटो जा सकते हैं, और वहां से आप बस लेकर हरिद्वार जा सकते हैं। हरिद्वार में आप मनसा देवी, चंडी देवी जो मेन अट्रैक्शंस हैं, वहां पर आप देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप रोपवे से जा सकते हैं या फिर आप पैदल ट्रैक करके जाना चाहते हैं। हमने जो ये बजट आपका बताया है 2500 का, इसमें हमने रोप वे आपको इवन कॉम्बो पैक यहाँ पर मिलता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आप सिंगल ट्रैवल भी करते हैं तो आप मनसा देवी जी की जो टिकट है रोप वे की, वो 121 रुपीज़ है बोथ पे, एंड चंडी देवी की है समवेयर अराउंड 150 रुपीज़। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं इनका, तो आपको उसमें ये ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कराते हैं, जो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ये आपको बाय बस या फिर आपको टैक्सी से लेकर जाते हैं। ये कॉम्बो पैक आपको ये 400 रुपीज़ में देते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ गुड बाय।
तो वो आप ले सकते हैं। एंड अगर आप बाय ट्रैक जाना चाहते हैं तो वो और आपका इसमें फिर बजट कम हो जाता है, आपको और ज्यादा अच्छी बजट में आप यहाँ पर और दूसरी चीजें एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो हर की पौड़ी पे तो आपको दर्शन करने ही हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। साथ ही में वहां पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट पूरियां मिलती हैं, वो पूरियां जरूर टेस्ट करें क्योंकि काफी फेमस हैं वो, और ये एक अच्छा नाश्ता भी हो सकता है आपके लिए, लंच भी हो सकता है। यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आप इंक्लूड करेंगे, इनकी कॉस्टिंग जो हमने आपको बताया है जिसमें आना जाना दिल्ली से ऋषिकेश एंड वापस आप ऋषिकेश से हरिद्वार एंड फिर आप अपने डेस्टिनेशन पर वापस दिल्ली एनसीआर जाएंगे, तो आपको ये टोटल कॉस्ट आती है 550-600 रुपीज आपका फेयर है, प्लस 400 रुपीज हमने आपका इसमें इंक्लूड किया है जो रोपवे का चार्ज है। इसके अलावा आपका जो होटल का चार्ज है वो हमने समवेयर अराउंड 500-800 आप लगा सकते हैं, और आपका 300 रुपीज की राफ्टिंग का हमने इसमें ऐड किया है। रेस्ट ऑफ द बैलेंस इज फॉर फूड, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बिकॉज आप एज अ सोलो ट्रैवलर अगर आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ऋषिकेश में बंक बेड भी अवेलेबल हैं, तो आपको इस आइटनरी को थोड़ा सा आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप होटल ना लेकर के आप बंक बेड चूज करते हैं तो वो 180 रुपीज से स्टार्ट हैं बंक बेड्स, बहुत ही सुंदर जो लोकेशन है उनकी वो बहुत सुंदर है, प्लस आप बहुत ही नीट एंड क्लीन है, फिजिबल है, आपको दूसरे लोगों की कंपनी भी मिलती है, आप अपने आप अकेला फील नहीं करते हैं, तो ये आजकल कल्चर भी है ऐसा स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। तो आप वो अमाउंट होटल का जो हमने चार्ज बताया था उसको यहाँ पर सेव करके आप उसको अदर एडवेंचर एक्टिविटीज भी हैं यहाँ पर, जैसे कि शिवपुरी में एक पूरा थ्रिल फैक्ट्री उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अभी एक नेक्स्ट वीडियो में शायद हम कमिंग अप वीडियोज में एक विजिट हम वहाँ का भी कराएंगे आपको, और दिखाएंगे कि और किस तरह से आप अपनी जर्नी को एडवेंचरफुल बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप रोपवे से जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कॉम्बो लेते हैं या आप अलग अलग भी जाते हैं, लेकिन अगर आप रोपवे से आप बुक करना चाहते हैं तो आप उसको प्री बुक भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है इसकी, गिरनार कंपनी का नाम है इसका। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल के देखें क्योंकि हम उसमें आपको हॉस्टल्स होटल्स एंड ये रोपवे जो कंपनी है इन सभी के हम आपको लिंक देंगे। इवन राफ्टिंग के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ मिस हो जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम आपके लिए और आइटनरीज लेकर आएंगे, इसमें आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और हमें इस वीडियो के थ्रू हमें ये भी पता चलेगा कि अगर आपकी इसी तरह की कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, इवन नॉट ओनली फॉर दिस प्लेस बट फॉर अदर प्लेसेस ऑल्सो, अगर आप आइटनरीज चाहते हैं तो आप हमें रिप्लाई करें, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें, ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारियां इसी तरह से आइटनरीज बनाकर लाएं, जिससे आप अपनी जर्नी को पहले से ही प्री प्लान कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वी आर हियर, आप हमें कॉल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रहे हैं, और इन्हीं वीडियोस से हमें पता चलता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, उसी के बेसिस पर हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे और आपके लिए इसी तरह की जानकारियां लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।